हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17। और चैप्टर नंबर 17 क्या है? सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर केप्ट एट लोअर सोशल स्टैंडिंग इज कॉल्ड। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मार्जिनलाइज्ड बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये होते कौन है ये जानना आपको ज़रूरी है। ठीक है, देखिए मार्जिनाइज्ड इज अ सोशल प्रोसेस ऑफ बीइंग कन्फाइंड ए लोअर सोशल स्टैंडिंग। ठीक है, जो लोअर जैसे देखिए वैसे कहा जाता है जैसे लोअर कास्ट वाली चीज़ें जो होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, अब देखिए, इट इन्वॉल्व्स पीपल बीइंग डिनाइड फंडामेंटल राइट दैट रिजल्ट इन लोअरिंग देयर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अब यहाँ पर आते हैं जो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे समझ में आते हैं। जैसे मार्जिनलाइज्ड लोग कौन कौन उसमें क्या आते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और आदिवासी जो लोग होते हैं ये आपके मार्जिनलाइज्ड हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थर्ड नंबर, द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु आर गिवेन स्पेशल प्रोविजन एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉड। ठीक है, तो वो कौन होते हैं? वो आपके होते हैं शेड्यूल कास्ट, जिन्हें हम एस सी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, एस सी कैटेगरी में ये लोग आते हैं। ठीक है, द ट्राइबल कम्युनिटीज़ दैट आर लिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉल्ड। तो देखिए जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, ठीक है ना, जो ट्राइब्स होती हैं उन्हें किस सेक्शन में रखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो ये आपकी होती है शेड्यूल ट्राइब, इन्हें हम कहते हैं एसटी। ठीक, द सोशल एंड इकोनो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस अपार्ट फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर नोन एज। ठीक है, तो देखिए इसमें जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये किस में आते हैं आपके? ये अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिक्स नंबर, द डैश आर क्लासिफाइड इनटू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक्स ग्रुप। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? माइनॉरिटीज बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेवन नंबर, द डैश एक्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर आदिवासीज बिकॉज दे रिफर टू इट टू डिफेंड देयर राइट टू ऑक्यूपाई लैंड That was traditionally in there। तो क्या हो जाएगा? ये एक्ट कौन सा था? ये एक्ट था 1989। ठीक है, एट नंबर, दलित इज अनदर नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो दलित हम किसे बोलते हैं? ये हम बोलते हैं किसको? शेड्यूल कास्ट वालों को। ठीक है, शेड्यूल कास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मंडल कमीशन वॉज सेटअप, तो मंडल कमीशन किस लिए सेटअप किया गया था? तो ये सेटअप किया गया था 1979 में, और इसमें जो ओबीसी के लोग थे, ठीक है ना, सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए ये मंडल कमीशन आपका बना था। कब बना था? 1979 में। टेन नंबर, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैव द परसेंटेज सीट रिजर्व इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो कितने परसेंट है? तो ये आपका 27% है, और इसको किसने बताया था? मंडल कमीशन ने। ठीक है ना, मंडल कमीशन ने। ठीक, चलिए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 27%। ठीक है, मतलब कि जो भी एजुकेशनली चीज़ें हैं वहाँ पे 27% आरक्षण दिया गया है। किसको? रिजर्वेशन दिया गया है किसको? ओबीसी, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को। फिर 11 नंबर, विच एमंग द फॉलोइंग रिलीजियस कम्युनिटीज इज नॉट डिक्लेयर ए माइनॉरिटीज बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आपके कौन से हैं? ये हिंदूज हैं। तो हिंदू आपके माइनॉरिटीज में नहीं आते। ठीक, बाकी क्रिश्चियन, मुस्लिम और सिख ये किस में आते हैं? माइनॉरिटीज में आते हैं। 12 नंबर, द रूट ऑफ अनटचेबिलिटी लाइज इन द डैश सिस्टम प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी। तो ये क्या है? यह है कास्ट सिस्टम। क्या है? कास्ट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर, एक्स ट्राइड टू एंड अनटचेबिलिटी, ही रिफर टू अनटचेबल्स एज हरिजन्स, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई एक्स। ठीक है, तो देखिए जो अनटचेबिलिटीज थे जिन्हें हम दलित कहते थे, और उनको बाद में जो महात्मा गांधी थे उन्होंने उनको क्या नाम दिया? हरिजन नाम दिया। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने कहा था हरिजन? तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रेन ऑफ गॉड, चिल्ड्रेन ऑफ गॉड। अगला 14 नंबर, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन मेड अप ए पनिशेबल ऑफेंस आर्टिकल डैश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कौन सा है? ये आपका है 17 आर्टिकल। ठीक है ना, आर्टिकल 17।
15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वर्क टूगेदर टू मेक सर्टेन ग्रुप्स इन द सोशल सोसाइटी फील मार्जिनलाइज्ड। तो इसमें कौन कौन आते हैं, इकोनॉमिक, कल्चर, पॉलिटिकल और सोशल, ये चारों कैटेगरीज होती हैं, ठीक है ना, मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए, ठीक है। 16 नंबर, द टर्म आदिवासी लिटरली मीन्स, आदिवासी का मतलब क्या होता है, तो ये होते हैं ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, ठीक है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट, जैसे आदिवासी लोग कहाँ पर ज़्यादातर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, ठीक है। अगला 17 नंबर, अराउंड 10% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज आदिवासी, तो कितने परसेंट लोग हैं इंडिया में आदिवासी, वो हैं 8% लोग। 18 नंबर, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर मोर देन 50% ऑफ पर्सन डिस्प्लेस ड्यू टू डैश एंड डैश प्रोजेक्ट्स आर ट्राइबल। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो ये हैं आपके माइंस और माइनिंग में, ठीक है ना, तो जो भी लोग हैं ना, 50% लोग माइंस और माइनिंग में आपके क्या हैं, ट्राइबल्स हैं, ठीक है। फिर 19 नंबर, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी सब्सटेंशियल नंबर ऑफ आदिवासीज कन्वर्टेड टू, तो जो 19th सेंचुरी था इसमें जो आदिवासी लोग थे वो किसमें सबसे ज़्यादा कन्वर्ट हो गए, तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफ गॉड टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एज अ पार्ट ऑफ आवर, तो ये क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 21, अरेंज दीज फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप्स एट डिसेंडिंग ऑर्डर लिटरेसी रेट, तो सबसे ज़्यादा लिटरेट कौन है, जैन धर्म के लोग, उसके बाद सिख धर्म के लोग, फिर हिंदूज, और सबसे लास्ट में कौन है, मुस्लिम, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉम द 1830s ऑनवर्ड्स आदिवासीज फ्रॉम एडजॉइनिंग, तो देखिए आदिवासीज बहुत ज़्यादा कहाँ पे थे, झारखंड में, ठीक है, तो यहाँ पे झारखंड नंबरेंगे। एडजॉइनिंग एरियाज मूव्ड इन अ वेरी लार्ज नंबर वेरियस प्लांटेशंस इन डैश द वर्ल्ड इंडिया, ठीक है ना, इंडिया एंड द वर्ल्ड, मॉरिशियस एंड द कैरेबियन इवन, और थर्ड में हम क्या यहाँ पे भरेंगे, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, इंडियाज टी इंडस्ट्री बिकेम पॉसिबल विद देयर लेबर इन, तो देखिए इंडिया में टी इंडस्ट्री क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, आसाम में, ठीक है, आसाम की कैपिटल क्या है, दिसपुर, ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताया है, सचर कमीशन वॉज सेटअप इन 1990, तो सचर कमीशन आपका ये फॉल्स है, ये कब हुआ था, 2005 में। सचर कमेटी एग्जामिन द सोशल इकोनॉमिक एजुकेशनल स्टेटस ऑफ सिख कम्युनिटी इन द इंडिया, ठीक है, तो ये सचर कमेटी सिख कम्युनिटी के लिए नहीं हुआ था, ये किसके लिए हुआ था, मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए, ठीक है ना, कि उनका एजुकेशनल और इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड कैसा है, इसलिए कमेटी बनी थी, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। आदिवासीज आर आल्सो रिफर्ड एज टू ट्राइबल्स, तो आदिवासीज को हम ट्राइबल्स बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। आदिवासीज प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन, बिल्कुल ठीक है, ये भी ट्रू है, तो दो फॉल्स दो ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 24, वर्ण सिस्टम को हम कास्ट सिस्टम बोलते हैं, तो जाएगा 4 नंबर। क्षत्रिय कौन थे, वॉरियर क्लास थे, ठीक है, 3rd नंबर। और वैश्य कौन थे, तो ये थे आपके ट्रेडर्स, ये व्यापार करते थे। और शूद्र थे, ये लोवेस्ट स्टेटस था इनका, तो ये जगह 2 नंबर, तो 4312 ऑप्शन नंबर डी। 25, मेनी रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर हैव ट्राइड टू एंड अनटचेबिलिटी, ठीक है। फिर लिखा है द रूट ऑफ अनटचेबिलिटी कैन बी ट्रेस्ड टू द कास्ट सिस्टम प्रिवेलेंट इन द वैदिक टाइम्स, तो देखिए पहला दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट है ये पहले को एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्त यहाँ पे वीडियो खत्म हो गया, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आप कुछ मुझे पे करना चाहते हैं तो आप इसे स्कैन करके पे कर सकते हैं, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं, अगर आप करना चाहते हैं तो। फाइनली मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।